हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज दशमी के दिन ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सब कैसे हो? वैसे सुबह तो मेरा ऐसे ही स्टार्ट हुआ है, नॉर्मल जैसे होता है, चाय वो पी के। आपको शायद बाहर में आवाज़ भी आ रहा है। अच्छा, मंत्र जंत्र हो रहा है दुर्गा पूजा का दशमी के दिन के लिए। और पहले मैं सुबह आज स्टार्ट करना चाहूँगा, कुछ कुछ बातें हैं जो आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ब्लॉग के स्टार्टिंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको थोड़ा पता चले, और स्टार्टिंग में ही जो लोग देख रहे हो उन लोग को पता चले थोड़ा सा। आप में से बहुत जन हो जो लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हो, बाहर से भी अगर आप लोग हो जो लोग देख रहे हो। पहला बात, मैंने कल भी पहले ब्लॉग में भी ये कहा था कि दुर्गा पूजा में जो ऐसा सीन होता है, आप लोगों को पता ही है कि सब बाहर घूमने जाते हैं और एक अलग सा माहौल रहता है बाहर में। कोलकाता में जैसे लोग भीड़ बना के फैमिली के साथ घूमने जाते हैं और इधर उधर पंडाल होता है, इतना अच्छा लगता है, लेकिन जो सच्चाई है इसके पीछे कुछ अलग ही होता है। मैं इसी के बारे में आज कुछ सब कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। पहले का माहौल कुछ और अलग था। पहले माहौल कुछ ऐसा था कि सब खुशी से आनंद से बाहर निकलते थे, और वहाँ पे पैसे का खर्च का कोई भी इशू नहीं था सबके अंदर। तो कोलकाता में अभी जो दुर्गा पूजा हो रहा है, दुर्गा पूजा जैसे फैल रहा है और जैसा कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको सिर्फ पैसे और धन दौलत के हिसाब से आपको हर जगह दिखने को मिल रहा है। जैसे बड़े बड़े पंडाल कितना करोड़ का होना चाहिए, कितना लाख पैसा खर्च हुआ है इस पंडाल को बनाने के लिए, वहाँ पे कितना हुआ है, कितना बड़ा पंडाल हुआ है, और कैसा मूर्ति बनाया है, क्या क्या किया गया है, ये सब एक्चुअली शो करने के लिए अभी हो रहा है। और जहाँ पे ठीक है, ये सब आप लोग बना रहे हो तो इसमें इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, ये हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको भी समझना चाहिए कि ना किछु होबे ना। आमी मुख्यमंत्री बोलबो ना, सरकार बोलबो। हाँ, सरकारेर आमादेर तो राइट आछे। तो यहाँ पे हमारे जो राज्य सरकार है और सेंट्रल है, इन लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आप लोग अगर पैसा खर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, आप लोग शो करना चाहते हो दुर्गा पूजा का, जैसे हम लोग का बंगाली लोग का जैसे रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा भी अगर आप लोग समझोगे कि थर्ड वेव आने वाला है, थर्ड वेव का आशंका है, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पंडाल आप लोग बना रहे हो, तो ये तो लाजमी है, ये तो संभव है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं तो ऑटोमेटिकली भीड़ बढ़ जाएगा। भीड़ बढ़ जाने के बाद इतना कुछ घटना भी घटने वाला है, जैसे बुर्ज खलीफा में जो घटना घटा है उसके बाद भी इतना सारा भीड़ लग रहा है। और सबको ये मैं देख रहा था, कल रात को कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सब सोच रहे कि कोरोना अभी नहीं फैल रहा है तो बेकार का मास्क क्यों पहनेंगे। तो ये सब मिला के ऐसा सीन हो रहा है दोस्तों कि सब कोई थोड़ा उनका जो मेंटल स्टेट है ना वो बिगड़ जाता है दुर्गा पूजा में। सब निकल पड़ते हैं गाड़ी उड़ी लेके, इस एक गाड़ी में तीन जन चार जन मिल के निकल रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी में निकलते हो, जैसे मेरे पास तो गाड़ी नहीं है अभी के लिए तो मैं पर्सनल नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन क्या उसमें भी आपका बहुत ही बेहतर है क्या? क्या उसमें कोई आपका कुछ हेल्प हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस भी अभी 100 से नीचे नहीं है दोस्तों। तो अगर आप मिला जुला के अगर पकड़ते हो तो पर्सनल गाड़ी में भी आपको हजारों का आपको लॉस होने वाला है। तो आप जब एंड ऑफ द मंथ में आओगे तो आप सोचोगे कि दुर्गा पूजा में हम क्या किए थे। वैसे हम जब निकले कल को, मुझे खुद फील हुआ कि क्या हालत हो रहा है बाहर में। ऑटो रिक्शा पुलिस प्रशासन कहते हैं कि हर जगह बहुत तगड़ा रूल्स रेगुलेशंस है, हम लोग बहुत अच्छा
कंट्रोल में लिए है, जितना टैक्स है, फीस है, चार्जेस है, ये सब को लेके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हर जगह 10 रुपये के जगह 30 रुपये, 40 रुपये अगर आप एक एक इंसान से लोगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा है। और हम लोग का साइड से तो इतना पैसा निकल जाएगा कि आप लोग दिन के एंड में सोच नहीं पाओगे। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए निकला था बाहर, ठीक है। तो इस इनमें आप सोचिए कि कितना गरीब है, कितने जो जो लोग का पास पैसा उतना नहीं है वो लोग निकलते हैं अपने परिवार को लेके, दूर दूर से आते हैं। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि जो मेरा आज ये सब बोलने का यही बात है कि आप लोग थोड़ा दिल से समझिए कि दुर्गा पूजा में कोई भी अगर निकलते हो तो क्या ये सच में उतना बेनिफिशियल है, क्या आपको उतना मज़ा आ रहा है। जैसे बाहर में भीड़ रहता है, आप लोग सोच रहे हो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के अपने को रेडी करके हम लोग निकल रहे हैं, क्या आपको कोई भी देख रहा है, कोई भी अच्छे से समझ पा रहा है? कोई किसी को नहीं देखता है दोस्तों, और आपका इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है। बाय द एंड ऑफ द डे आप लोग कुछ पंडाल देखोगे, कुछ मूर्ति देखोगे, दुर्गा माँ को देखोगे, इधर उधर घूम के आ जाओगे, और आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो बहुत जल्दी आपका उड़ जाता है। तो यही होता है दोस्तों। और मैं देखता हूँ कि दुर्गा पूजा हम लोग का कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, लेकिन बाहर में नवरात्रि सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बेस्ट है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग घर में करते हैं, ठीक है। और अगर पूजा करना है तो अपने मन से आप कर सकते हो। पंडाल हॉपिंग में बाहर में घूम के इधर उधर दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड लवर्स कपल बन के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पूजा करना है, पूजा करना चाहते हो, तो आप 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये जैसे भी हो उसी से आप भक्ति मन में आप वो पूजा दे सकते हो। तो ऐसे ही कुछ है दोस्तों, नवरात्रि बहुत ही अच्छा आप लोग सेलिब्रेट करते हो। मैं ये एक बंगाल में रहते हुए मैं जो अभी नज़ारा देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है पूजा में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग में से बहुत जन हो जो लोग सोचते हो कि पूजा में बंगाल में कुछ अलग ही होता है, थोड़ा घूम लिया जाता है, इतना मज़ा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन दिन में कुछ अलग ही हो रहा है दोस्तों, यही बोलना था। बहुत ही ख़राब लगा देख के, और शायद मेरे तरफ से मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं पूजा में वैसा मज़ा नहीं आता है अभी, और मैं ऐसा फ्यूचर में मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, मैं घूमने नहीं वाला हूँ। एक दिन दो दिन जो जहाँ पे निकलना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, अगर बाहर जाना मेरे लिए ठीक है, मेरे बजट के अंदर है, पॉकेट के अंदर होता है। आपका ऐसा नहीं है कि आप जितना पैसा कमाते हो आप लोग जाओगे खर्च कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे बजट के अंदर होता है, मुझे सब कुछ देख के मुझे जाना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा। तो यही बात है दोस्तों, और अभी सुबह हो चुका है और यही थोड़ा सोच रहे थे, आपको बता भी दिए हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि सुबह को भी लाइट जलेगा, ये देखिए अभी भी जल रहा है, अब इधर भी नोटिस कर सकते हो, देखिए इधर आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए। पूरा दिन ही 24 घंटे जलते रहता है। कोई कोई तो कंपटीशन के बहाने पूरा लिमिट हद ही पार कर देते हैं कि चलो भाई हम लोग तो जला के ही रख देंगे। तो अगर हम लोग एक थोड़ा सा छोटा वाला एक लाइट जलाए थे LED वाला, तो वो देख के ये लोग पूरा लगा लिए और 24 घंटे भाई जलाते रहो, हम लोग को भी जलाने का कोशिश है। आखिरकार ये बेड का सब कुछ पिलो उलो हटा के पूरा खाली कर दिया गया है, और यहाँ उठ के ये आज साफ करना है। रेगुलर मैं कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर साफ करता हूँ। आप देख सकते हो कैसा धूल धूल और डस्ट हुआ है, और अभी इतना गर्मी बढ़ रहा है कि हवा नहीं आ रहा है, इसलिए इसको साफ करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पंखा भी कैसा हालत हुआ है,
पूरा धूल चिपका हुआ है, ये फैन को भी साफ करना है पूरी तरह से। चलिए साफ करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो, पता नहीं चल पा रहा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा बेहतर हुआ है पहले से। और ये नहीं करने से हवा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और ये एक प्रॉब्लम होता है बेसिकली एंटी डस्ट ना होने पर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जितना भी पैसा खर्च हो एक एंटी डस्ट तो मुझे लेना ही है, क्योंकि हर 2-1.5 महीने के अंदर अंदर ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छा हवा दे रहा है, अभी बिल्कुल हवा का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात ऐसा होता है कि इसको करते करते हालत ख़राब हो जाता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जब बहुत ऊपर होता है ना, तब ये पहुँच नहीं पाता है। आप देख सकते हो कितना ऊपर है। और एक बात अभी हुआ है कि टेडी यहाँ पे ये वाला जो पेड़ है ये लगाई थी, लेकिन यहाँ पे एक स्टिकर वाला जो होता है वो होल्डर में लगाई थी, वो गिर गया। फिर उसे एक नेल से एडजस्ट करके रखी है, और इसी के वजह से आप नीचे देख सकते हो क्या हालत हो चुका है। अब इसे उठा के फिर से इसमें दे देंगे। और अभी थोड़ा बाहर जाना है, क्योंकि थोड़ा खीर में कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, और चीनी भी ख़त्म हो चुका है, दिन हो चुका है। और यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, सो बैक टू नॉर्मल। आशा करते हैं नेल ना निकले यहाँ से और ना गिरे। सो गाइस, अभी ले चुके हैं, बाहर में गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर में। वैसे ये सब चाहिए था आज के खीर के लिए, बनाने के लिए कुछ बताशा गुड़ का, उसके साथ साथ चीनी भी लिए है, और मसूर दाल भी लिए है। ये सब लेके अभी जा रहे हैं घर में। और बहुत ही ज़्यादा धूप है, आप जैसे देख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा गर्मी है। और अच्छा हुआ कल को दूध ले चुके हैं, क्योंकि आज दूध बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो गाइस, यहाँ पे इसको लेके आए हैं मच्छरदानी को, बहुत ज़्यादा ये मैला हो चुका था, डस्ट हो चुका था, इसलिए लेके आए हैं। और इसे अभी देना पड़ेगा यहाँ पे, देखे थोड़ा सुखाने के लिए देंगे।